नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी जमींदार द्वारा पूर्व समय में 50 वर्ष पूर्व या उससे भी अधिक समय पूर्व जमींदार द्वारा बसाया गया और वर्षों से वह सपरिवार घर मकान बना करके रह रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें कृषि भूमि अर्थात जोत आबाद के लिए भी कुछ जमीन जमींदार द्वारा दिया गया, लेकिन किसी कारणवश वह इस जमीन का पेपर अपने नाम से नहीं बना पाए, अर्थात कोई ठोस पेपर नहीं बना पाए। तो आखिरकार जमीन दखल में है वर्षों से, मगर इसका पेपर कैसे बनेगा, इसके संबंध में मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, पूर्व समय में जमींदार द्वारा जो लोगों को बसाया जाता था तो ढेर सारे लोग बसाए जाने के बाद या जोत आबाद में दान स्वरूप दिए गए जमीन का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, और जब लिखित प्रमाण नहीं है तो निश्चित है कि उनका सरकार के रिकॉर्ड में भी कोई लिखित प्रमाण नहीं होगा और न ही उनके नाम से कोई लगान रसीद ऑप्टेन होता होगा। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार कब तक इस तरह के कब्जाबाड़ी पर कोई व्यक्ति रह सकता है? आज बदलते समय में लोग अभावग्रस्त हो रहे हैं, लोग बदनीयति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में आपके ऊपर खतरा है, आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है जिस जमीन पर आप बरसों से दखल कब्जा में हैं, जोत आबाद करके अपनी जीविका चला रहे हैं, अभी अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उस जमीन से आप ठोस पेपर के अभाव में अधिकार खो सकते हैं। और जो आपको इस तरह की जमीन से डिस्पोजेज करेंगे उनसे आप लड़ भी नहीं पाएंगे। यदि आप मुकदमाबाजी के चक्कर में भी पड़ेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में होने की संभावना कम है, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए और आपके पास में कोई ठोस पेपर नहीं है। ऐसे में आवश्यकता है कि आप जल्द से जल्द इस तरह की भूमि को यदि आप धारण करते हैं तो इसका एक ठोस पेपर बनवा लें, अपने नाम से अधिकार को प्राप्त करें और इस जमीन संबंधित अधिकार को प्राप्त करके, प्रमाण पत्र प्राप्त करके आप उस आधार पर गवर्नमेंट में अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाएं और लगान रसीद प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम सामाजिक तौर पर प्रयास करना चाहिए। इस तरह के केसेस में सामाजिक तौर पर लोगों को ज़्यादा सफलता मिलता है। समाज के लोग जो जान रहे हैं कि आप बरसों से इस पर दखलकार हैं तो वह आपकी मदद करेंगे। और जहां तक सवाल है जमींदार का जिसने आपको बसाया है, उनके वारिसान यदि आपके पक्ष में हैं तो आपके पक्ष में मात्र 2 महीने के अंदर इस ज़मीन का ठोस पेपर बन सकता है। इसके आपके नाम से कोर्ट द्वारा डिग्री प्राप्त हो सकता है, आप हासिल कर सकते हैं, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। और लोक अदालत द्वारा कम समय में डिग्री प्राप्त करके उस डिग्री के आधार पर, उस वार्ड के आधार पर आप अपने नाम से मोटिशन करा करके लगान रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और यदि जमींदार जिसने आपको बसाया है वह आपके पक्ष में नहीं है तो आप एडवर्स पोजीशन, चूँकि आप बरसों से रह रहे हैं तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और लीडर कमिश्नर का बहाली करवा करके आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप बरसों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, दखलकार हैं, और इस तरह से आप अपनी ज़मीन का पेपर बनवा सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो दिया हुआ है, फिर आगे भी मैं आपको वीडियो के मार्फत गाइडलाइन करूंगा
इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह के कानूनी शरह आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।